गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि वेस्ट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं। तो देखते हैं कि हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। आपको पहले ये वेबसाइट पर जाना होगा, जो है वेस्ट की वेबसाइट। ये USA की हो सकती है या कैनेडा की। फिर आपको यहाँ पर अपने लिए एक अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है और अपने सारे डिटेल्स ऐड करने हैं। आप आगे चलकर अपने एजुकेशन के क्या डिटेल्स एंटर करने हैं वो भी देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पॉज करके आप वो सारी डिटेल्स एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट के बाद आपको आपका वेस्ट रेफरेंस नंबर मिलेगा और वो एड्रेस मिलेगा जहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स आपको भेजनी है। OU की वेबसाइट पर प्रोसीड होने से पहले आपको चाहिए कि आप थोड़े डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। वो है आपकी ऑफिशियल डिग्री, कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो और एड्रेस प्रूफ। साथ ही आपको वेस की वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड करना है, वो है वेस एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉर्म। सब करने के बाद आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है। उसके बाद आप जा सकते हैं उस्मानिया की वेबसाइट पर। अब उस्मानिया की वेबसाइट जो है वो है usmania.ac.in। जब आप यहाँ चले जाएंगे, आपको साथ ही स्क्रीन पर एक न्यू ऑप्शन दिखेगा जो है अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन। तो ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है और इसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। पहले की लॉगिन वेबसाइट सब चेंज हो चुका है। अभी आपको कुछ भी वेबसाइट पर अगर सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होता है। आप ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, आप जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज की दूसरी पेज जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है और रजिस्टर करना होता है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको वहाँ पर अपने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग आपको प्रॉपरली एंटर करना है, रजिस्टर करना है। और वापस जब आपके सारे डिटेल्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से एक लॉगिन अकाउंट और पासवर्ड दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से आप वापस इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको बाकी के सर्विसेज एक्सेसिबल हो जाएंगे। फिर आपको चूज़ करना है अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सर्कल्ड है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको नेक्स्ट पेज पर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट दिखाएगा। फिर आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है वेस्ट विथ ट्रांसक्रिप्ट्स, जो कि 7th ऑप्शन है करंटली। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। फिर आपको दूसरा पेज दिखाएगा, एक डिक्लेरेशन है, आपको बस आई अग्री और कंटिन्यू पर चूज़ करना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, सब आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर अपनी हॉल टिकट डिटेल्स एंटर करनी है। ये वही डिटेल्स होती हैं जो आप हमेशा अपने एग्ज़ाम्स में, सारे एग्ज़ाम्स में एंटर करते हैं। आपका कोर्स कोड, कॉलेज कोड, रोल नंबर, तो बेसिकली आपको यही हॉल टिकट नंबर यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको ऑप्शन ये अलर्ट आएगा कि आपका कोई डेटा नहीं है। डोंट वरी, बस आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपको दूसरा पेज आएगा, वहाँ पर आप अपने सारी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। दूसरे पेज में वापस आपके हॉल टिकट नंबर से ऑलरेडी जो आपका हॉल टिकट नंबर है वो वहाँ पर एडिड होगा। इसके बाद आपको स्लोली आपके कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सारी डिटेल्स ऐड करने हैं। एंड बेस्ड ऑन द कॉलेज टाइप आपको एंटर करना है कि आपकी कॉलेज ऑटोनोमस है या नॉन ऑटोनोमस। ये बेसिकली मेरा फॉर्म है, मेरा रेगुलर कोर्स मोड था और फार्म डी 6 ईयर्स किया है मैंने। थोड़े लोगों ने फार्म डी पी भी किया होगा, तो उसमें ऑप्शन ये होता है कि डॉक्टर इन फार्मेसी 3 ईयर्स, वो है फार्म डी पी भी के लिए। सो आपको ऐसे सारे डिटेल्स एंटर कर लेने चाहिए और उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलेगा ये पेज जहाँ पर आपको अपना वेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, जो हम लोगों ने कंसाइज इमेज बनाया है 500 KB से कम वाला साइज़ का, वो फाइल आपको ऐड करनी है।
इस फॉर्म पे। यहाँ पर आप सारे स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं कि क्या एंटर करना है। वो फॉर्म पर सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में एंटर करनी होती है और फाइल साइज़ जैसे मैंने कहा था पहले ही 500 KB से लेस में आपको ऐड करना है। हमारा दूसरा ऑप्शन है ऐड ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, और हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स दो हैं, ये है ऑफिशियल डिग्री और हमारा कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो। कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो फार्म डी के लिए बहुत बड़ा है, आपको कंसोलिडेटेड मेमो को स्कैन करना है और आई बिलीव फोटोशॉप से या फिर कोई पीडीएफ एडिटर से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं इनटू द A4 पेपर साइज एंड देन अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको एड्रेस और एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा आपसे, तो इसके लिए एड्रेस आपको ऐड करना है वेस का जो आपको रेफरेंस नंबर के साथ दिया गया था, और आपका एड्रेस प्रूफ आपका आधार फोटो है जो हम लोगों ने कंसाइज किया हुआ है 500 KB से लेस वाला। इसके बाद आपको पे करना होता है सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद। पेमेंट के बाद आपको रिसीट मिलेगा, रिसीट से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, और जैसे मेंशन किया है हमेशा प्रोफाइल ओपन करते रहिएगा और नेक्स्ट 7 डेज चेक करते रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जिसको भी हेल्प चाहिए वैसे के लिए प्लीज़ शेयर करिएगा।